Welcome to the NSJD Show, Pakistan's first fitness and self improvement podcast, in which we discuss tools for self improvement and physical and mental well being. I'm Noro Sikandar and I've been into fitness for fourteen years. Today's guest is Sara Mohammed, who is a national level badminton player and has quite a few titles to her name. Uh, namely, she is a six-time national level a women's double champion, as well as a six-time national mixed doubles champion, and has quite a few international medals to her name as well, to name a few. Uh, in the South Asian Games, she won the bronze medal. In the she also won uh, a bronze medal in Nepal, and she has also a silver medal that she won in Bahrain, and in the Australian. Open when she came in the top 16 in the mixed double division. So obviously, it all revolved around badminton. What's the proper training for badminton? Pakistan, mein kya scope hai? Kya proper techniques hai badminton ke andar? Uh, kya aapki proper training routine honi around it? We also talked about her injuries, how she overcame her injuries, and also that she now is a mother living in Australia. So. अब उनकी क्या जर्नी है वाईज शी कमिंग बैक क्या उनका प्लान है क्या वो करना चाहती हैं क्या मुझे या उनको लगता है कि हेज़ शी सर पास्ट हर पीक इन बैडमिंटन और नॉट एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट हैविंग द राइट माइंड सेट एंड विनिंग माइंड सेट दैट यू नीड इन बैडमिंटन और एनी अदर कम्पेटिटिव स्पोर्ट तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ मेक श्योर टू क्लिक ऑन द लाइक बटन उससे होता क्या है कि यूट्यूब का एलग्रिदम ऐसा बना हुआ है कि इट हेल्प्स आवर वीडियो रीच द राइट ऑडियंसिस इसके अलावा दिस पॉडकास्ट इज आल्सो अवेलेबल फॉर ऑल अफ आर इंटरनेशनल लिसनर्स ऑन स्पॉटिफाई एज वेल सो यू कैन लिसन एंड वॉच दिस पॉडकास्ट देयर एज वेल एंड ऑन यूट्यूब इफ़ यू लाइक दिस कॉन्टेंट इन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फिटनेस मेंटल फिटनेस एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट कॉन्वर्सेशन तो आप जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को यू कैन ब्राउज थ्रू आर वीडियो कैटलॉग बिलो सी वॉट वीडियो यू लाइक एंड टेक इट फ्रॉम देयर एंड विद दैट लेट्स मूव ऑन टू आवर कॉन्वर्सेशन विद सारा Sara, Assalamualaikum. Walaikum Assalam. How are you? Alhamdulillah, Love Sunai. fine. All good. So you were just mentioning that you've uh, shifted to Australia or are you back? Uh, no, I've, uh, I have been living there for the past 10 years. Uh, okay. But I come and go. When there were tournaments, I used to come and play uh, tournaments, there were training camps or something like that. So I used to come and go. But at the moment, I'm just here for a visit. Oh, you're just here for, the, yeah. for a visit. Right, right. Okay. So, what's the plan right now? Okay, Abhi, are you gonna like continue? Yeah, what's the scene? um dil to bada दिल तो बड़ा करता है अंदर से अच्छा। yeah, because, um, जब बैडमिंटन आती है और जब स्पोर्ट्स आती है और वंस uh, आप किसी भी आई थिंक स्पोर्ट्स से बात करेंगे अगर लाइफ में mm -hmm. तो um, जब उसका वो खेलने वाला टाइम होता है तो और वो नहीं खेल पा रहा होता है तो वो बड़ी तकलीफ होती है उससे mm -hmm. लेकिन आई हैव goal गोल up. Um, अभी आगे एक टूर्नामेंट है एंड आई एम ट्रेनिंग फॉर दैट नैशनल्स पाकिस्तान की तो आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन इट आफ्टर फ्यू ईयर्स गैप इट लाइक अगर आपका एक कुछ साल का गैप आयान ऑलवेज गो बैक एंड प्ले पहले ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी नेशनल या इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जब आप सर्किट में होते हैं तो आपकी mm -hmm. एक रैंकिंग होती है सो mm -hmm. so, uh, आप यू डोंट हैव टू गो थ्रू द क्वालिफिकेशन प्रोसेस लेकिन वंस यू नो यू नो फॉर ईयर और टू ईर्स तो वो जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो जीरो पे चले जाते हैं तो देन यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन सिर्फ ये कि आपका प्रोसेस जो है जो आपने पहले ही समटाइम्स अगर आप नंबर वन टू सीडेड होते हैं तो आपको समटाइम्स इवन फर्स्ट राउंड में भी बाय होता है सो यू स्टार्ट विद द फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड बट वंस यू डोंट हैव योर पॉइंट्स तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द क्वालिफिकेशन प्रोसेस तो उसमें जो राउंड होते हैं आप वो खेलते हैं और उसके बाद फिर आप मेन ड्रॉ में आते हैं अभी आपको सारा करना होगा इस तरह थर्टीज में होता है या तो जब नंबर ऑफ एंट्रीज होती है मोर देन हंड्रेड तो वो ड्रॉ रिमेन्स उतना ही सिक्सटी फोर का ड्रॉ होगा ठीक है सही। लेकिन उसमें ये होगा कि जो ऊपर लोग होते हैं सारे उसका एक अलग ड्रॉ बनता है वो क्वालिफिकेशन ड्रॉ होता है।, ठीक है उसमें से फिर जो लोग क्वालिफाई करते हैं तो फिर वो उस मेन ड्रॉ में आते हैं ऑल स्पोर्ट्स अच्छा अच्छा सही है ऊपर से वो कितने होते हैं जिनका अलग से होता है वो फिर अगेन इट डिपेंड्स ऑन के ऊपर कितने ज्यादा हैं 200 लोग हैं 300 लोग हैं 100 लोग हैं तो फिर वो उसके हिसाब से वो एक क्वालिफिकेशन का राउंड बनता है ड्रॉ बनता है फिर वो लोग उसमें से क्वालिफाई करके फिर मेन ड्रॉ में जाते हैं ठीक है ठीक है इंटरेस्टिंग अच्छा सारा आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बट आई लाइक टू स्टार्ट ऑफ विद विद द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी कि आप बैडमिंटन में कब आई और एंड क्यों आई अब इसके दो पार्ट्स हैं मेरे जिन में एक तो ये कि आपकी जर्नी जो है वो ठीक है ठीक है, है जो भी है बट Why badminton? इतने स्पोर्ट हैं इन पाकिस्तान why, why was it badminton? अच्छा मज़े की बात आपको बताती हूँ शुरू से मुझे बैडमिंटन इतनी पसंद नहीं थी अच्छा मुझे पसंद थी क्रिकेट मुझे इतना पसंद था मैं खेलती भी थी मैं देखती भी थी एंड देखती तो मैं अभी भी हूँ um, मुझे द गेम आई लाइक द स्पोर्ट एंड उसको शुरू से ही फॉलो किया फिर uh, अबू थे घर में भाई बहन हम लोग घर में भी खेलते थे uh -huh. स्पोर्ट्स का ओवरऑल ही शौक था क्योंकि Uh, मेरे फादर स्क्वाश खेलते थे क्लब में uh, स्विमिंग करते थे हाइकिंग ये ट्रैक थ्री जाते थे हम इस्लामाबाद में तो वो एवरी ही गोज़ यूज़ टू टेक अस अलॉन्ग तो वो एक जो इंटरेस्ट डेवलप uh, शायद जो बचपन से ही अप, घर वालों को जो आप देखते हैं अपने तो वो मुझे शुरू से ही स्पोर्ट्स का बहुत शौक था प्लस ये कि जब स्पोर्ट्स का शौक था कंपेटिटिव भी थी जब हार जाती थी बड़ी तकलीफ होती थी <laughs> <laughs> जीतना भी चाहती थी तो uh, bed, uh, बैडमिंटन मेरे किसी बुक्स में नहीं था कहीं भी नहीं था इतफाक़ से एक समर्स uh, आई जब uh, मेरी एक फ्रेंड थी उनके फादर और वो वो सुबह उन्होंने साइकिलिंग स्टार्ट की साइकिलिंग के बाद हम लोगों का काम होता था क्लब में चले गए और बैडमिंटन खेलते थे वो तो उन्होंने मुझे कहा कि आप चलें हमारे साथ बैडमिंटन खेल लें मुझे इतना ज़्यादा शौक नहीं था लेकिन क्योंकि स्पोर्ट्स थी So, I started going there. जब मैं गई और मैंने खेलना शुरू की एक दिन दो दिन तीन दिन एंड देन और उसमें कंपेटिटिव वो थी कि हार जो तो फिर मुझे गुस्सा आता था, था मैं बाहरी की हूँ <laughs> मैं अगले दिन का वेट करती थी कि मैं जाऊँ और जाके जीतूँ सो so, उस तरह आहिस्ता आहिस्ता मेरा बैडमिंटन में इंटरेस्ट डिवेलप हो गया सही सही तो <laughs> so, वो और आपके कुछ सिबलिंग्स वगैरह भी बैडमिंटन खेलते हैं कि Uh, नहीं मेरा भाई खेलता है बैडमिंटन लेकिन कम्पेटिव अच्छा? नहीं वो शौक से खेलता है बैडमिंटन वो भी सारी स्पोर्ट्स वो फुटबॉल भी खेलता था क्रिकेट भी खेलता था लेकिन अब पिछले काफी अरसे से ही प्लेइंग बैडमिंटन राइट राइट तो हाउ डिड अच्छा क्रिकेट नहीं बैडमिंटन ही है वो कोई पॉइंट था एक्चुअली uh, क्रिकेट तो मैं वैसे ही खेलती थी मतलब वैसे ही अच्छा? देखती थी वैसे ही खेलती थी मतलब आई जस्ट लव द sport, यू नो लेकिन बैडमिंटन जहाँ मैं जाती थी खेलने के लिए वहाँ पे uh, आ, मुझे एक दो दफा अपॉर्चुनिटीज मिली कि मुझे उन्होंने नेशनल कैंप के लिए बुलाया एज ए जूनियर कि मैं जाऊँ और जाके देखूँ तो जब मैं वहाँ पे गई uh, नेशनल कैंप में और मैं गई और मैंने uh, उनके साथ मेरे अच्छे मैचेज हुए तो लेकिन फिर वही बात है कि मैं हार गई uh -huh. तो फिर मुझे वो अंदर से वो एक तकलीफ होनी शुरू हो गई क्योंकि क्लब में तो मैं जब जाती थी आपस में फ्रेंड्स थे खेलो हारो जीतो फिर जब जीतते भी थे खुशी होती थी लेकिन जब आप एक वो एक मोर कंपटिटिव लेवल था जो कि ये नेशनल लेवल था तो उसके जब मैं कैंप्स में गई और मैं वहाँ जाके जब मैं आ, मैंने देखा कि ये और जब मैं हारी जाहिर बात है आप उस जैसे जूनियर और वो सारे नेशनल चैम्पियन थे तब वन टू थ्री फोर के साथ खेलने का मौका मिला इट वज रियली नाइस लेकिन जब मैं हारी तो uh, मुझे आई डेंट टेक इट वेल आई आई थॉट मे बी इफ आई आई कैन विन यू नो अगर इफ़ आई ट्राई मे बी आई कैन विन फिर मुझे कुछ ऐसे हुआ वहाँ पर uh, थोड़ा सा जैसे कि प्रोफेशनल सर्किट में होता है थोड़ा आपको सब्जेक्ट समाइम्स आप uh, को डिसेज करते हैं लोग और ज़रा डीमोरलाइज करते हैं तो वहाँ से मुझे बहुत हर्ट हुई कि सम कि मैं छोड़ दूँ जैसे और चली जाऊँ तो मैं निकल गई वहाँ से नेशनल कैंप से लेकिन uh -huh. फिर मैं एक दो दिन में मैंने अपना माइंड बनाया मैंने कहा नहीं मैंने खेलना भी है और मैंने जीतना भी है तो आई गॉट अबाउट एवरी थिंग आई सेट आई आई विल जस्ट वर्क हार्ड एंड वर्क हार्ड के मैं एक दिन नेशनल चैम्पियन बनूँ तो आप नेशनल कैंप में पहुंचे कैसे थे एंट्री कैसे हुई थी एक्चुअली um, वो एक कैंप लगा हुआ था साउथ एशियन गेम्स का uh -huh. तो uh, तब जो प्रेसिडेंट uh, थे वहाँ पे बैडमिंटन uh, फेडरेशन के उन्होंने मुझे कहा कि एज ए जूनियर आप आए और आके देखें हमें जूनियर्स की जरूरत है सो यू विटनेस दैट एंड यू यू विल गेट टू ट्रेन एंड प्ले एज ए जूनियर जैसे सीनियर्स के साथ हर जगह जूनियर्स साथ, साथ चलते हैं hmm. तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आएँ और आप आके थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करें तो तब मैं वहाँ पर गई और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं जाके इतने नैशनल चैम्पियंस तबके और वन टू थ्री फोर फाइव के साथ खेलूँ देखूँ और सब कुछ करूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा इट वॉज़ आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड थिंग राइट तो उन्होंने आपकी गेम देखी भी थी जो उन्होंने पोटेंशियल देखी होगी इसलिए बुलाया होगा ना आपको जी वो तो, आते थे वो क्लब में हमारे साथ खेलते थे समटाइम्स अच्छा तो so तब उन्होंने मुझे कहा बिकॉज दैट टाइम आई वाज अ जूनियर तो उन्होंने तब uh -huh. मुझे कहा कि वी डोंट हैव एज मेनी गर्ल्स जूनियर प्लेयर्स कमिंग अलोंग सो व्हाई डोंट यू कम तो तब मैंने उनको कहा मैंने कहा ठीक है मैं इतना ज्यादा प्रोफेशनल उसमें जाने का मेरा कभी भी माइंड नहीं था uh -huh. लेकिन उन्होंने मुझे कहा बुलाया फिर मैं कहती थी कि मैं अगले दिन उनको देखूंगी और मुझे कहेंगे आप नहीं आई तो अच्छा अच्छा इसलिए चली जाती थी वहां पे लेकिन बस अल्टीमेटली तो वैसे अगर बैडमिंटन में लाइक सो जूनियर इज टिल ठीक yes. है ठीक है तो so, उसमें जनरली बैडमिंटन में वन यू लुकिंग फॉर न्यू प्लेयर तो ऐसे ही होता है कि आपको कोई नज़र आ गया आपने उसको बुला लिया या कोई एक प्रॉपर प्रोसीजर है एक स्काउटिंग वगैरह का ऐसे कुछ है um, देखिए एक्चुअली तो ये होता है कि जो जूनियर्स होते हैं उनकी अब तो ये है कि आ, नेशनल जूनियर चैंपियनशिप होती है अच्छा तो उस नेशनल जूनियर चैंपियनशिप में आप जैसे कि सीनियर चैंपियनशिप होती है उसी तरह जूनियर चैंपियनशिप होती है आपकी टूर्नामेंट होता है आप उसमें जाते हैं आप उसमें परफॉर्म करते हैं फिर आप नंबर वन टू थ्री फोर होते हैं और फिर आप एज ए जूनियर टूर्नामेंट्स खेलते हैं लेकिन जब सीनियर टूर्नामेंट होता है तो उसमें फिर वो जो जूनियर्स होते हैं वो सीनियर टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर उसमें उस तरीके से उनका एक्सपोजर भी होता रहता है और वो उनका ग्रोथ भी होती रहती है राइट सो दिस इज हाउ इट वर्क्स राइट राइट एंड देन उसमें से नज़र आ जाता है कि कौन से टॉप पोटेंशियल है जिनको हम लाइक लॉन्ग टर्म यूटिलाइज हो सकते हैं जो फ्रॉम फ्रॉम जूनियर टू सीनियर वो आके फिर आगे बढ़ सक आगे जा सकते हैं जी बेसिकली ज़्यादातर तो इट्स परफॉर्मेंस बेस्ड कि अगर आप जूनियर चैम्पियन बनेंगे या आप जूनियर वन टू थ्री बनेंगे या फिर आप नेशनल में आके नंबर वन टू थ्री फोर में आएंगे सेमीज खेलेंगे वो करेंगे तो वो फिर आपकी ऑटोमेटिकली जब कोई टूर्नामेंट्स uh, होते हैं इंटरनेशनल या कोई वो होता है तो आप फिर उसमें ऑटोमेटिकली जंप इन कर जाते हैं ठीक है ठीक जी है। क्योंकि वो उसका बस एक बड़ा वो ब्लैक एंड वाइट सा ही होता है ऑलमोस्ट सही सही लेकिन uh, ऐसा भी होता है कि जैसे कोई जूनियर आपको बहुत uh, लग रहा हो कि ये बहुत टैलेंटेड है तो उसको आप अपॉर्चुनिटीज uh, प्रोवाइड करते हैं ठीक right. है आप ये नेशनल जूनियर खेलें आप इंटरनेशनल जूनियर खेलें तो उसमें फिर उसकी परफॉर्मेंस बेस्ड अगेन फिर अच्छा परफॉर्म करता है तो आगे फिर अपॉर्चुनिटीज उप, होती हैं ठीक है ठीक है तो so आपका जब आपका पीक चल रहा था जी. उस वक्त आपका क्या रैंक चल रहा था <coughs> मैं नेशनल चैम्पियन थी right, जूनियर या right. सीनियर की बात दोनों दोनों मैं जूनियर में तो मैं टूर्नामेंट्स मैंने नहीं खेले मैंने बेसिकली खेले ही सीनियर क्योंकि जब मैंने मैंने बेसिकली बैडमिंटन लेट स्टार्ट किया है जैसे कि यूजली uh, अगर आप इंटरनेशनली देखें तो बच्चे जो हैं वो फाइव ईयर्स सिक्स ईयर्स की एज में स्टार्ट कर देते हैं और उसमें भी मैं देखती हूँ कि uh, जो उसमें जो एफर्ट होती है वो पेरेंट्स की होती है कि पेरेंट्स का एक माइंड होता है कि जी हमने अपने बच्चे को इतनी गेम्स खिलानी है hmm. तो मैंने औ, और भी जो दुनिया में अकेडमीज़ में गई हूँ ट्रेनिंग की है उधर ऑस्ट्रेलिया में भी जो हमारी अकेडमी है उसमें क्या होता है जो हम जो जितना छोटा बच्चा होता है उसको उतना ज़्यादा वो समझते हैं कि इसका चांस है आगे जाने का लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इतने छोटे लेवल पर कोई अकेडमीज़ नहीं है कुछ भी नहीं है तो हमारा बेसिकली जैसे बाकी सारे स्पोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर है छोटे बच्चे आते हैं वो अपने ही उस पर टैलेंट पे आगे निकल जाते हैं मतलब उसको उस रूट लेवल पे कोई भी प्रॉपर कोचिंग या प्रॉपर एनवायरमेंट प्रोवाइड नहीं होता राइट right, राइट right. जी बेसिकली so आप उस वक्त कोई वगैरह उनकी नहीं हो रही होती जो nice. बहुत टैलेंटेड है जो खुद से उन्होंने अपने ढूंढ लिया कर लिया तो हो गया जी. अभी right. आप क्रिकेट में भी देखें इवन ऐसे ही है कि अब तो खैर एक सिस्टम बन गया लेकिन आ, जब वसीमा आए थे सो आई थिंक उनको इमरान खान ने बड़ा ग्रास रूट लेवल पे पिक कर लिया था उनको उन्होंने वो टैलेंट देखा और वो पिक कर लिया सो so, इसी तरह इस तरह भी होता है कि कोई जो आपके उस वक़्त के कैप्टन कोचेस वगैरह होते हैं वो किसी को पोटेंशियल नज़र आता है तो उठा लेते हैं वरना जो एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि अगर आप, आप, आप काउंटीज़ देखें बाहर आप इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में और बाहर कहीं भी जैसे काउंटीज़ देखें तो उनका बड़ा स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर है तो पाकिस्तान में एज सच ग्रास रूट लेवल पे इतना स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसकी वजह से हमारा बड़ा टैलेंट जाया भी हो जाता है और बहुत सारे स्पोर्ट्स में जाया हो जाता है yeah. तो मैं समझती हूं पाकिस्तान में इस चीज की बड़ी जरूरत है कि आप ग्रास रूट लेवल के ऊपर आपकी हों जहां पे जूनियर्स जाएं पॉलिश हो जाएं अब मैं आपको बताती हूं इट्स ईजियर टू लर्न दैन टू री एक दफा आप बचपन में ही गलत टेक्निक सीख लेते हैं या किसी गलत चीज में स्टार्ट कर देते हैं तो वो बाद में उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है लेकिन अगर कोई अकेडमीज होंगी कोचेज होंगे प्रॉपर जूनियर ग्रास रूट लेवल पर तो वो आपको वहीं से जो है वो ठीक टेक्निक पे ले जाएंगे और फिर आपकी ग्रोथ बड़ी फास्ट हो जाती है या। यही जिससे भी मैं बात करता हूँ अराउंड डिफरेंट स्पोर्ट्स उनका ये कहना होता है कि यहाँ पे Um, एक तो ग्रास रूट लेवल से वी डोंट हैव एनी थिंक जो ग्रूमिंग वगैरह कोचिंग वगैरह कर रहे करें देन आगे जाके वो जब लोग सक्सेसफुल होना शुरू होते हैं तो उनको द राइट पोस्ट स्पॉन्सरशिप ये सब यहाँ पे भी देर इज़ अ बिग डिफ्रेंस बिटवीन असल बहुत बहुत गैप है आई थिंक बहुत टाइम के बाद जाके ठीक होगा अभी तो हमारे मेन मेन मसले ही सही बात है पता नहीं कब तक जाएंगे। सही बात है। तो... मैं तो, तो सोचती है नहीं मैं तो आपकी अपने बलबूते हो गया वो आगे बढ़ गए लेकिन जिनको थोड़ी ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है वो बेचारे थोड़ा रह जाते हैं यहाँ पे थोड़ी सी जैसे कि बैडमिंटन की मैं बात करती हूँ बैडमिंटन एक टेक्निकल गेम है और ये बेसिकली ज्यादा इसको अच्छे लेवल पे खेला जाती है चाइना में मलेशिया में yeah. आ, आ, इस तरह की कंट्रीज़ में सो so, पाकिस्तान में आपको आ, कैंप्स लगने चाहिए बच्चों को उधर जाना चाहिए उधर से इधर आना चाहिए कोचेस को जाना चाहिए कोच जो इवन जो हमारे लोकल कोचेज़ हैं उनकी उनके ट्रेनिंग कैंप्स होने चाहिए चाइना uh, में मलेशिया में इंडोनेशिया में यू you नो know, वो वो जो वहाँ पे आप सीख के आएंगे जो अभी जो कुछ हो रहा है बड़ी फास्ट चीज़ें चेंज होती हैं hmm. जैसे टेस्ट मैच से 2020 में एक बड़ा एक वो चीज़ें चेंज हो गई हैं यू नो सो इसी तरह जो बैडमिंटन आज से नाइनटीन में खेली जाती थी अब वो बैडमिंटन जो है वो 2024 में वो काफ़ी चेंज हो गई है इवन पॉइंट सिस्टम पहले 10 पॉइंट की गेम होती थी अब 21 की होगी और फास्ट हो गई है राइट right. सो so, जो ये जो कॉन्टीन्यूस चेंजेस होती हैं ये अगर आप आ, अगर आप इंटरनेशनल कोचेज नहीं जाएंगे या प्लेयर्स नहीं जाएंगे और कॉन्टीन्यूस टूर्नामेंट्स नहीं खेलेंगे और कैंप्स नहीं अटेंड करेंगे तो वो एक गैप आ जाता है बिल्कुल कि वो लोग आप वहीं पर रह जाते हैं और जो बाकी दुनिया है वो एक एज अ वो जा रही है वो वो इकट्ठे हैं जी आप आइसोलेट हो गए yeah. तो आप फिर आपकी गेम वहीं रह जाती है hmm. और वो लोग जो हैं वो फ, आप इवॉल्व नहीं जाते कर पाते हैं, ना बेसिकली या yeah. आपने मेंशन किया कि बैडमिंटन इज अ टेक्निकल गेम हाउ सो हाउ टेक्निकल इट्स वेरी टेक्निकल लाइक फॉर एग्जांपल यू 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 डोंट ओनली नीड अ रैकेट एंड अ शटलकॉक एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट प्लेइंग यू नो इसमें इतनी सारी चीजें होती तो था <laughs> गली में लेके निकल जाओ <laughs> नहीं ये ये तो बहुत अच्छी बात है मतलब यू शुड डू दैट आई मीन जब आप आगे जाते जाते हैं ना आपको उतना ही पता लगता है कि आपने एक तो आ, आपने एक स्ट्रोक मारा है तो आपने वो स्ट्रोक आपने तो अपनी तरफ ऐसे करके जाके मार लिया है लेकिन द प्रॉपर स्ट्रोक इज कि आपने बैडमिंटन में आपका आर्म इन्वॉल्व इतना नहीं होता आपकी रिस्ट इन्वॉल्व होती है सो दिस इज अ टेक्निकल थिंग आई मीन अगर कोई बंदा वैसे खेल रहा होगा वो बाजू से जोर लगाता जाएगा लगाता जाएगा ये ना लेकिन uh, जो आपने बाजू आपका एक जिस सिर्फ एक वो साथ आएगा असल आपने स्ट्रोक आपका रिस्ट पावर है सो mm इट्स -hmm. so मतलब एक जस्ट बेसिक थिंग यू नो लेकिन दिस इज अ टेक्निकल थिंग राइट सो इसी तरह अगर आपने बैक हैंड से लिफ्ट करनी है तो आप ऐसे जाके हाथ नहीं उठा लेंगे आपने अपना थम नीचे रखना है रैकेट के उसको एक जैसे फोर हैंड की ग्रिप है उसे हैंड की ग्रिप डिफरेंट है सो ऑल द ग्रिप्स आर डिफरेंट टू प्ले डिफरेंट स्ट्रोक्स ठीक अब जो बंदा वैसे ही खेल रहा होगा वो तो वैसे ही खेल रहा होगा लेकिन जब आप प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं आप आपकी ग्रोथ नहीं होती आप उस लेवल पे एकदम ऊपर नहीं जा सकते नहीं। जब तक आपको टेक्निक नहीं पता छोटी छोटी चीजों के प्लस इतना मतलब आई थिंक बैडमिंटन इज द वर्ल्ड फास्टेस्ट रैकेट गेम सो इसमें बहुत ज्यादा फिजिकल फिटनेस इन्वॉल्व होती है

इट हैज टू बी डीप जितना ज्यादा ऊपर से वो नीचे आएगी उतना ज्यादा वो स्मैश अच्छी होगी सो द आर्म इज इन्वॉल्व बट इन एंड इट हैज़ हैजू बी द रिस्ट राइट राइट Yeah, yeah, yeah. तो yeah. सही, सही. अच्छा, बैडमिंटन में <coughs> जब आपका किसी के साथ मैच हो रहा होता है तो वो कैसे जैसा कि फाइट्स होती हैं फाइट्स में होते हैं वेट कैटेगरी होती है तो बैडमिंटन में कोई होती है कैटेगरी की आपके जो अगेंस्ट है एज, एज ग्रुप के अलावा कि वो

आई बिकॉज आई एम नॉट वेरी टोल सो आई ऑलवेज फील द टोलो पीपल हैव द मोर एडवाटेज बिकॉज उनकी कोट कवरिंग जो है उनके लिए ईजी होती है मतलब mm -hmm. अब मैं सेंटर में खड़ी हूँ मैंने नेट पर शॉर्ट उठानी है तो मैं मुझे एक बहुत बड़ा स्ट्रैच करना पड़ेगा और मुझे साथ एक हॉप करना पड़ेगा यू नो एंड ऑल दैट लेकिन जो एक लंबा बंदा होता है वो एक लंच करता है और वो आराम से उठा लेता है सिमिलरली पीछे भी जाना हो तो इट्स ईजिया फॉर देम टू कवर द कोट लेकिन कहते हैं कि इफ यूर मोर शॉर्ट देन आपका स्पीडवर्क बेहतर होता है Mm -hmm. जैसे टॉल बंदा है जब उसको ड्रॉप पड़ता है तो उसको नीचे उठाने के लिए उतना ही प्रॉब्लम होती है सो बट आई डू फील के इफ यूर टॉल इट इज स्लाइट बिट ऑफ एडवांटेज इवन इन टेनिस यू सी यू यू सर्व वो आपने ऊपर से करनी होती है वो डीप जाती है इट्स योर एडवांटेज राइट राइट इंटरेस्टिंग आपने जो रिस्ट वाली चीज की ना मैंने जब जिंदगी में पहली दफा टेबल टेनिस खेली थी कम ही खेली हुई है तो मैं ऐसे ना रिस्ट से कर रहा था क्योंकि मुझे क्रिकेट की आदत है क्रिकेट में रिस्ट होता है रिस्ट होता तो है। मैं रिस्ट से यूँ कर रहा था तो वहाँ पे मुझे बोला किसी ने नहीं तुमने ना फोर आर्म से कर लिया और बैडमिंटन में आप बिल्कुल अपोजिट बोल रहे हैं कि सारी रिस्ट की गेम है क्रिकेट में रिस्क की गेम है बताते हैं कि इंट्री केज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और हाई लेवल पे तो छोटी छोटी चीजें मैटर करती है बहुत छोटी छोटी मतलब आप आप, मैं आपको बताऊं कि इवन जैसे कि सर्व सर्विस बेसिक चीज है लेकिन इवन आप आ, आ, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी देखा है मैं दुनिया में जो अच्छे अच्छे इवन जो उस वक्त के वर्ल्ड चैंपियंस भी होते हैं वो भी जब उनको आ, जो प्रैक्टिस कोर्ट्स में टाइम होता है वो सुबह अगर शाम में मैच है तो वो मॉर्निंग में आके इवन सिर्फ सर्व प्रैक्टिस कर रहे होते हैं पंद्रह पंद्रह मिनट सिर्फ सर्व सो आई मीन इट सच अ बेसिक थिंग कि आप एक सर्विस है मतलब कितना कि वो आप सोचते होंगे कि तो तो नहीं मिलता आपको वो तो बंदा उठा लेता है अगला तो फिर प्रैक्टिस किस चीज की हो रही होती है नहीं कि द सर्व हैज बी वेरी क्लोज टू द नेट अगर आप डबल्स okay. में करा रहे हैं या मिक्स में करा रहे हैं अगर आप शॉर्ट सर्व ही बेसिकली चलती है वो ऊंची होगी तो वो उसी वक्त किल हो जाएगी लेफ्ट राइट right. तो बेसिकली डबल्स और मिक्स डबल्स में आपने अटैक नहीं देना होता आपने यू हैव टू होल्ड द अटैक सो उसमें ये होता है कि आपने सर्विस बड़ी ही अच्छी और नेट की पट्टी से करीब वो सर्विस डेलिकेट करानी है सी करानी है ऑल काइंड ऑफ सर्व आप फ्लिक भी मार सकते हैं सही लेकिन आ, उसमें यह है कि आपको बड़े आ, उसकी प्रैक्टिस कि वो इतनी सी भी ऊंची ना हो या अगर इतनी जगह पे एक बदला बीच में खड़ा है और दो साइड्स हैं तो आपने उस साइड पे करानी है तो उस साइड की लाइन पे ही जाए ठीक है सो so, उसकी बस यू you नो know, आप प्रैक्टिस करते रहते हैं सही है अच्छा इसका रीजन आई थिंक इसलिए है कि सर्व के वक्त फिक्स पॉइंट्स में खड़ा हो खड़े होते हैं ना दोनों लोग ऐसे तो नहीं होता कि रैंडमली कहीं खड़े हो सकते हैं। नहीं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपके वन पॉइंट है तो आप लेफ्ट पे खड़े होंगे कॉर्ट तो right right लेकिन बेसिकली देखिए सर मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि सर्व इज द स्टार्टिंग इज द बिगिनिंग उसी पॉइंट से उसी मोमेंट से आप या तो रैली डोमिनेट कर जाते हो या आप रैली में डिफेंसिव चले जाते हो अगर आपने बुरी सर्विस करा दी है तो अगला बंदे ने आपके ऊपर मारी और अटैक करना शुरू so, okay, कर दिया है सो वो बेसिकली आपकी सर्व अच्छी है तो आप पॉइंट डोमिनेट कर सकते हो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपकी जो रैली स्टार्ट हो रही है उसमें आप अटैक कर रहे हैं या में ही चले गए हैं इंटरेस्टिंग mm -hmm, अच्छा मैं बेसिकली कह रहा था कि फॉर एग्जांपल सर्व हो रही है तो उसमें Uh, अगर डबल्स हैं, तो डबल्स में जो आपके सामने जो लोग हैं उनको हमेशा जब भी आप सर्व करें उनको एक ही पॉइंट पे जाके खड़ा होना होगा ना राइट मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल अभी नील नील चल रहा है जी ऑल तो, हाँ, पे आपने आ, हाँ। दो एक लेफ्ट पे खड़ा होगा एक राइट ठीक है लेकिन वो आ, आगे पीछे हो सकते हैं अपनी मर्जी से कि उन्होंने कुछ फिक्स पॉइंट खड़े होने बस। नहीं जिसने रिसीव फॉर एग्जांपल अब अब अगर मैंने किस, आ, मैंने किसी आपको लव ऑल से लेफ्ट साइड पे सर्विस करा दी है और मैंने पॉइंट विन कर लिया है तो फिर मैं उस राइट साइड से लेफ्ट साइड ऑफ द कोर्ट पे चली जाऊंगी लेकिन आप अपनी जगह ही खड़े रहेंगे दूसरी जगह मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम

लोग होते हैं जो स्टार्ट करते हैं और अगर चार पाँच आठ लोग हों तो वो ज़्यादातर डबल्स ही स्टार्ट करते हैं बिकॉज़ एक कोर्ट होता है और लोग ज़्यादा होते हैं तो वो डबल्स ही स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं तो आ, हमने डबल्स स्टार्ट की और डबल्स में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे खेलते अच्छा। सिंगल्स भी मुझे पसंद थी जब डबल्स हम खेल खुल के थक जाते थे फिर एंड में थोड़ी सी सिंगल्स खेलते थे हम अच्छा लेकिन ज्यादातर हमें शौक होता था क्योंकि उसमें बेट्स लगती थी आ, चैलेंज होता था आ, आज मैं मैं जीतूंगा अभी बर्गर लग गया अब फिश लग गई यू नो हमारी आपस में इस तरह हम लोग इस तरह खेलते होते थे तो वो फिर हम लोग बड़े शौक से उसमें हमारा इंटरेस्ट था तो बस वो क्योंकि खेलने की आदत थी तो मजा आता था खेलते हुए सो पर्सनली तौर पर आई थिंक आई प्रेफर प्लेइंग डबल्स

अ बिट मॉर अग्रेसिव बिट मोर फास्टर बिकॉज उसमें जल्दी जल्दी पॉइंट आते हैं uh -huh. सिंगल्स में थोड़ा सा आपके पास टाइम ज्यादा होता है क्योंकि अगर आपने पीछे फेंक दिया है तो एक कोई बंदा नेट पर नहीं खड़ा उसको जल्दी से इंटरसेप्ट करने के लिए uh -huh. तो आई थिंक इट जस्ट डिपेंड्स ऑन प्रेफरेंस किसको क्या पसंद है Double's में कोई ऐसा तो नहीं होता कि आपने अगर कराई है तो वो उसने मारनी है या बारी बारी करना है कोई भी कोई भी ले सकता है नहीं, ना? नहीं, कोई भी ले सकता है सिर्फ सर्विस रिसीव और सर्विस कराने के लिए आप अपनी अपनी जगह पे खड़े होना होता है अदरवाइज uh -huh. रैली में तो कोई कोई भी।, हाँ, तो रैली में कोई भी कर सकते हो और आपने बोले इतना फास्ट पेस्ट है तो इसका कॉन्फ्लिक्ट तो होता होगा कि यार तुमने उठाना था नहीं तुमने उठाना था वो गिर हाँ, गई बीच में वो सब कुछ चलता रहता है वो तो जो सेंटर में पॉइंट गिरता है दो लोग जब करेगा बेसिकली जिसका राइट हैंड होता है वो उठाता है अगर सेंटर में क्योंकि एक बंदा खड़ा है अगर मेरे सेंटर में लेफ्ट पे गिरा है तो एक मेरा लेफ्ट होगा वो सात वाले का राइट होगा तो यूजुअली राइट उठाता है लेकिन अगेन डबल्स में डिपेंड करता है आपने लेफ्ट सीधी की है क्रॉस की है hmm. uh, अगर सीधी की है तो मैं थोड़ा सा ज्यादा राइट साइड पर चली जाऊंगी फिर सेंटर वाला पॉइंट मेरा पार्टनर उठाएगा अगर मैंने yeah. क्रॉस लिफ्ट की है तो फिर सेंटर मेरा हो जाएगा सो दिज ऑल लाइक टेक्निकल थिंग्स व्हाट इफ है और वो सेंटर में आए फिर क्या होगा एक्चुअली फिर कॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है Call, या उनकी आपस yeah. में अंडरस्टैंडिंग होती है mm -hmm. कि ये वाला पॉइंट मैं ही उठाऊंगा yeah. वो थोड़ी सी जो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन होता है उसमें थोड़ा सा उसमें मुश्किल हो हाँ, हाँ. लेकिन क्योंकि आप यूजलीटिव लेवल पे आपकी पार्टनरशिप होती है और आप एक, एक काफी अरसा एक दूसरे के साथ खेले हुए होते हो तो right. इतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक कौन क्या उठा रहा है या या मैं मैं सोच रहा हूँ क्रिकेट के बारे में ना कि जब वो एक कैच होता है तो हमारे प्लेयर्स तो टकरा जाते हैं आपस में एंड बैडमिंटन में तो आपको हर आपका बहुत सीरियस मैच चल रहा है और टीम मेट के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ गया एक दूसरे पे गुस्से हो गए और अब जितना भी है मैच और भी एक्चुअली बड़ी दफ़ा होता है ये बड़ा कॉमन है आ, और फिर ये होता है कि आप अगर अपना आपका जो पार्टनर है वो आपका दोस्त भी हो अगर ज्यादा तो फिर वो ज्यादा आपकी वो उसमें टसल होने का चांस हाँ, है या। तो आ, मेरी एक आ, बहुत फास्ट फ्रेंड है बलबा बशीर आ, अभी आ, आ, उनके साथ मेरी काफी अर्सा पार्टनरशिप रही है right. तो उनके साथ मेरे साथ मैं डबल उनकी मम्मी पार्टनर थी हम बड़ा इंजॉय भी करते थे डबल खेलते हुए लेकिन उनके साथ ये भी होता था लड़ाइया भी बहुत होती थी बीच में मतलब जो पॉइंट कोई दे देता था या मैं या वो तो वो बस आपस में फिर हमारी मैच के दौरान ही <laughs> लेकिन फिर रिजॉल्व भी करना है एग्जैक्टली मैच जीतना, uh, exactly, yeah. जीतना भी है लेकिन हम लोग दोनों ही बहुत ज्यादा हम हाई उसमें खेलते थे मतलब बहुत मोटिवेट होके खेलते थे हम बहुत

तो इसके अलावा एक तो हो गया कि आपकी आपस में आपका टसल चल रहा है ऑब्वियसली सामने वाले के साथ भी टसल चलता होगा वो स्लेजिंग होती होगी तो उसमें जब वो आपको दे ट्राइंग टू पुट यू डाउन बातें साथ पॉइंट मारा लुक कराई साथ बात कर दी वो कैसे आप हाउ डू हैंडल दैट या कोई स्टोरी आपके जेन में जिसमें आ, कुछ ऐसा हुआ हो एक्चुअली uh, सामने वाले से भी uh, अक्सर uh, मतलब बंदे का होता है क्योंकि आपने गेम उसी से जीतनी है एक हमारे कोच थे सर uh, uh, लियात uh, जब मैं फर्स्ट टाइम बैडमिंटन खेल रही थी तो uh, मेरा जब मैच आया तो वो uh, बड़ी स्वीट सी नाइस nice सी लड़कियाँ थी तो वो मुझे कहते अच्छा वो हालांकि उस वक्त वो मेरे कोच भी नहीं थे मतलब वो एक कोच थे और वो आके उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा uh, मतलब मुझसे मैं जूनियर थी मुझसे उन्होंने कहा उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप अभी इनसे मैच खेल रहे हो मैं उनसे बेसिकली टिप्स लेती थी सर लिया से तो एक सॉर्ट ऑफ कोच ही थे तो उन्होंने मुझे कहा बेटा मैच खेल रही हो तो आपने इनसे ना ये जो आपके ओपोनेंट हैं ये आपके ओपोनेंट नहीं है ये इस वक्त आपके दुश्मन है और ये ग्राउंड नहीं है ये मैदान जंग है तो आपने इस एटीट्यूड के साथ जाना है कि आपने इनको छोड़ना नहीं है नहीं। नहीं। आप यकीन करें कि वो जो बात थी वो हमेशा मेरे माइंड में उस दिन के बाद से हालांकि दैट वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट टूर्नामेंट आई एवर प्लेड एंड दोज वो माई काइंड ऑफ फ्रेंड्स यू नो जिनके अगेंस्ट में खेल रही थी और मेरे बिल्कुल दिल में उस वक्त इस तरह की वो नहीं चल रही थी आप जरा मैच होता है आप थोड़ा सा थोड़ा सा एक आपको भी नर्वसनेस हुई हुई होती है और आप जरा थोड़ा सा हाथों में पसीना आ रहा होता है स्टार्ट होने से पहले तो और वो mm -hmm. भी फर्स्ट टाइम था लेकिन वन ही सेट दोज वर्ड्स वो मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने हिट किया यू नो कि मुझे आज तक वो वर्ड्स याद हैं तो जब भी मैं, मैं मैच के अंदर जाती हूँ तो मैं ये सोच के जाती हूँ कि ये जो है इनको मैंने छोड़ना नहीं है और ये तबाह कर देना है अगली टीम को सो so, उसमें वो थोड़ी सी आपकी माइंड वैसे ही अग्रेसिव हो जाता है और अग्रेशन वाला आ जाता है एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी स्पोर्ट्स में हो आपका माइंड ये होना चाहिए नो मैटर हाउ क्लोज द पर्सन इज हाँ बदतमीजी नहीं या कोई इस तरह की बात नहीं लेकिन वो जो अंदर से आपने uh, जीत के uh, वो चीज़ है क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा uh, uh, मतलब बहुत लाइट हार्टेड और बड़ा खुशी से जाएंगे और बड़ा उसमें जाएंगे तो आप उस तरह खेल ही नहीं पाते mm -hmm. कि मेरे फ्रेंड्स हैं या वट या या वो यू हैव टू हैव दैट दैट थिंग इनसाइड यू नो कि नहीं मैंने जीतना है तो उसमें वैसे हम लोगों के ओपोनेंस में काफ़ी रिस्पेक्टफुली और सब कुछ होता है लेकिन समटाइम्स नेट पे जाके कभी बहुत क्रूशल टाइम हो रहा हो तो बंदा जरा ऐसे लुक करा देता है <laughs> <नहीं। laughs> राइट या कभी ऐसे तो फील होता होगा ना कि यार अगले को जो पॉइंट मिला है वो लक पे मिल गया तो आप जाके उसको बोल देते हो कि ये ये लक थी अगले में आना जरा

right 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 there's other people look here they start look here ah. aap, you shout kar sakte hai. yes yeah you know take take care. okay okay so you so much so uh in australia you're living with your family there yeah i live with my husband and my daughter it, okay so yeah so after motherhood how has this changed for you badminton uh, that is why the gap aya, this three-year gap uh, actually हर लाइफ का एक फेज़ होता है जिसको आप इंजॉय करते हैं सो आई वॉज इंजॉय द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ माई लाइफ एज वेल इट इट्स अ टोटल न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एंड न्यू जर्नी सो द माई लास्ट चैंपियनशिप जो मैंने उसके साथ तब खेली थी देन आई वॉज नेशनल चैम्पियन मिक्स डबल्स देन एंड देन आई हैड डॉटर फिर पिछले तीन साल से आई डेंट प्ले आई वॉन्ट टू प्ले लेकिन वो पहले मुझे पिछले दो तीन साल में ये लगा कि अगर मैं खेलूंगी तो आई एम गोट न टेक समथिंग अवे फ्रॉम हर यू नो आई वॉन्ट भी एबल टू गिव हर दैट टाइम बिकॉज प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इज़ वेरी डिमांडिंग स्पेशली बैडमिंटन आपको फिजिकल फिटनेस रखनी है आपने uh, आपको स्पीड ट्रेनिंग चाहिए आपको एजिलिटी uh, साथ स्पीड के साथ चाहिए आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो यू नीड टू गो टू द जिम

एक दिन का रेस्ट है सो सिक्स डेज अ वीक ओके ये होता है कि फाइव एंड हाफ हो जाता है कि जो लास्ट सेशन आपका फॉर एग्जाम्पल अगर आपका संडे ऑफ है तो सैटरडे में आपने एक लॉन्ग सेशन लगा लिया ठीक है तो यू टेक अ सैटरडे इवनिंग ब्रेक ब्रेक एंड एंड संडे देन यू स्टार्ट अगेन ऑन मंडे बिकॉज आपका मसल जो है वो ओवर टायर इंजर्ड या सो यू नीड टू रेस्ट योर मसल जो right. भी आप यूज हैं तो आप जो है आप ये तीनों चीजें करते हैं वेट ट्रेनिंग प्लस कार्डियोस्कुलर फिटनेस प्लस टेक्निक ट्रेनिंग तीनों yes. चीजें हैं यस yes. ठीक है थीक तो जैसे जैसे फिर टाइम स्क्वीज और फिर उस ये होता है कि आपने एक लेवल पे खेला होता है आपने जब जीता चैंपियनशिप जीती होती है आप यू देन आप जब जाते हो और आप जाके जाके हार जाओ पहले ही मैच तो फिर आपको वो बहुत ज़्यादा आपको दुख होता है तो यू वॉन्ट टू विन बिकॉज यू आप सारी उम्र कम्पटिटिव रहे हो और आपने खेला है और आपने जीता है सो यू वॉन्ट टू विन सो आप मैं क्योंकि मुझे पिछले दो तीन साल में ये लगा कि मैं वो टाइम अगर मैं उससे लूंगी तो ये उसके साथ ज्यादा बिकॉज शी इज़ वेरी वेरी स्मॉल और शी नीड्स ऑल दी अटेंशन और अगर मैं प्रोफेशनल में इस तरह चली जाऊंगी कि बस चलो घंटा एक दिन में एंड दैट्स नॉट क्योंकि यू नीड टू अप इतने इन्वेस्ट करने के बाद फिर छोटे बच्चे को आप नहीं खुद से देख सकते when you're abroad, जी, नौकर शौकर भी नहीं होते हैं है, वहां yeah. पे तो आपने ग्रोसरी भी करनी है आपने yeah. uh, training bhi karna hai, right. sab kuch khud karna hai. so now you think that she's turned four so you can put <laughs> some time into training yes i wanted to actually i wanted to uh, just go and play one more time you know okay. i wanted to do that right because um mujhe दिल करता है अभी भी खेलने को लेकिन उसमें फिर मैं बीच में समटाइम्स ऐसा टाइम आता था कि मैं कहती थी कि नहीं अब नहीं दो तीन साल से खेला छोड़ दी है मतलब वैसे मैं ट्रेनिंग करती हूँ ये जैसे मैं आपको दो तीन साल कह रही हूं कि कंपेटिटिव नहीं खेला मैंने ठीक But है एवरी डे आई वुड गो एंड आई वुड ट्रेन एवरी डे आई वुड गो एंड आई वुड मेक शो आई एम डूइंग माई जेम आई मेक श्यो आई एम रनिंग आई मेक श्यो आई एम प्लेंग आई डेंट गिव अप ये नहीं मैंने किया कि अच्छा चलो वो बिकॉज इट

यानी अब तो क्योंकि टूर्नामेंट आ रहा है तो आ, आ, अच्छा आ, आ, सो इससे पहले जब कैजुअली ट्रेन कर रही थी तो क्या आपका दिन होता था कि कंपेरेटिवली नहीं लेकिन फॉर फॉर योर फिटनेस एंड योर मेंटल आप कह रही है आ, Well हाँ, फिर मैं ये होता था कि मैं मेक शोर करती थी कि मैं वीक में ट्वाइस वीक में जिम अपनी लाजमी करूं मैं उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपनी प्रॉपर करूँ मैं उस एक दिन में हफ्ते में वंस वीक में लॉन्ग रनिंग लाजमी करूं और है. बाकी आ, मैं अपनी बैडमिंटन उसके साथ रोज खेलती रहूँ सो दिस वॉज माई गोल बिकॉज यू नीड ऑल थ्री टू प्ले तो so, जिम में कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जो आप ज़्यादा टारगेट करती हैं कि ये बैडमिंटन में हेल्प करती है ये एक्सरसाइज आपको सारे मसल्स चाहिए बॉडी के बैडमिंटन में जंप भी है बैडमिंटन uh -huh. में लंजेस भी हैं बैडमिंटन uh -huh. में लेफ्ट राइट मूवमेंट भी है तो यू नीड ऑल और बैक बैकवर्ड्स रनिंग भी है सो so आपको आपका कोर आपके आपके लेग्स आपके लंजेस फिर आपने खेलना क्योंकि हाथ से है आपके बाजू और उससे है तो आपकी अपर बॉडी भी स्ट्रांग होनी चाहिए सो so, बैडमिंटन मैंने देखा ऐसी चीज़ है कि आप ये नहीं कर सकते कि अच्छा जो मैं अपर बॉडी नहीं करूँ वेट ट्रेनिंग में या मैं लो बॉडी लेग्स लगा ली काव्स नहीं लगाए काव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बिकॉज आपने ऑल द टाइम यू हैव टू बी ऑन योर टू सो काव्स भी आपने लगाने आपने right. बाकी अपर बॉडी के लिए रिस्ट नहीं लगाई वो भी लगानी है बिकॉज रिस्ट यू एंड अप प्लेंग विद योर रिस्ट इट हैज टू बी स्ट्रांग कोर so, लगाना है आपने पेट कमर आपकी वैसी स्ट्रांग होनी चाहिए तो आई डोंट थिंक बैडमिंटन में मैं मुझे ऐसे लगता है कभी के ऐसी कोई चीज है कि जिसको मैं कहूँ कि अच्छा चलो ये वेट ट्रेनिंग इसकी नहीं करते रहने देते. सही तो रहनेंगी yeah. ठीक है ठीक है तो आपको इंजरी वगैरह हुई भी है इन्ज़ुनी?

डॉक्टर बहुत अच्छे थे डॉक्टर तोसीफ़ रजाक लाहौर में होते हैं उन्होंने मुझे फिर एंकल में मैं लाहौर गई उन्होंने मुझे एंकल में एक शॉट दिया तो उससे इट हेल्प मी प्ले दैट टूर्नामेंट और वो टूर्नामेंट भी बड़ा अच्छा था बड़े अच्छे उसके हुआ तो वो बहुत मेरा ट्रूशल टाइम था मैंने उस टूर्नामेंट के लिए काफ़ी मेहनत की हुई थी तो लेकिन मैं भागती थी तो मेरे एंकल में बहुत मुझे अभी भी याद है मुझे पेन होती थी तो फिर आफ्टर दैट शॉट मैं वो करके फिर लेकिन उसके बाद मैंने रेस्ट किया फिर एक दफ़ा नी इंजरी हो गई थी अच्छा। उसके लिए मुझे काफी सफर करना पड़ा uh, मेरे पास तीन चार एम थे दो में आ रहा था ग्रेड थ्री का टेयर है दो में आ रहा था बिल्कुल ठीक हूँ तो इट वॉज वेरी कॉन्फ्लिक्ट फिर uh, मैंने बहुत डॉक्टर से कंसल्ट किया वो भी फिर कोई कहते थे आप ऑपरेशन करा लें कोई कहते थे आप बिल्कुल ठीक हैं फिर एंड अप गोइंग टू इंग्लैंड वहां पे एक uh, uh, डॉक्टर थे वो uh, उनके फुटबॉल के साथ फुटबॉल टीम के साथ थे उन्होंने देखा उन्होंने मुझे कहा उन्होंने फिर मुझे समझाया कहते हैं आपके पास फोर एम हैं जिस एम में है कि ग्रे थ्री का टेयर है इसकी पिक्चर इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है इसकी क्रिस्प नहीं है तो इसकी जो मशीन है वो बहुत ज्यादा यूज हो चुकी है सही है। तो ये मैं इसलिए भी बता रही हूं कि इन केस अगर किसी को कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जिसमें उसके दो डिफरेंट किस्म के वो आ रहे हो uh, तो फिर उसने मुझे कहा जो ये uh, आपका है uh, जिसमें नहीं है आपकी uh, वो ज्यादा क्लियर है तो आई विल गो विद दिस राइट तो यू डोंट नीड टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ वो uh, जो सर्जरी उन्होंने रिकमेंड की थी पाकिस्तान में सो so, ही कि अगर आप करा लेती तो आपको एथराइटिस uh, डेवलप हो जाता सो इट्स गुड यू डू इट अच्छा सो so, yeah, जी वो कह रहे थे right. कि बहुत uh, आपके लिए अच्छी नहीं थी तो बस अच्छा, फिर अच्छा. वो वहां से फिर उन्होंने मुझे रीहेब करवाया मेरे जो क्योंकि वीक हो चुका था मैंने किया कुछ नहीं था uh -huh. उसने कहा वो बस वो करके वो इंजरी शुक्र है गेम्स मिस हो गए बीच में। लेकिन तो ये जो जो है, में मुझे अभी भी याद है रमजान था और मैं दो सेशन लगा रही थी एक तो हम रमजान में ज्यादातर सारे प्लेयर्स ही रात को ट्रेनिंग करते हैं बिकॉज यू तो हमारी ट्रेनिंग होती थी रात को 11 बजे से एक या दो बजे तक तो उसमें यह हुआ कि मैंने सोचा कि नहीं यार कोई मसला नहीं है एक सेशन मैं लगाती हूँ अफ्तारी से पहले फिजिकल सेशन में अफतारी से पहले जाके रनिंग कर लेती हूँ और अपनी सो आई रिमेम्बर अराउंड आफ्टर द ट्वेंटियथ रोज़ा मुझे नी में एकदम पेन हुई डिहाइड्रेट हो गई क्योंकि दो दो टाइम ट्रेनिंग कर रही थी और बहुत हार्ड और तो फिर उसकी वजह से मुझे ये बेसिक इंजरी हुई डिहाइड्रेशन की वजह से अच्छा अच्छा सही

तो लेकिन आप नहीं कि आपको <laughs> इस तरह नहीं हुआ था नहीं अल्हम्दुलिल्लाह लकी कि इस तरह बस वो नी इंजरी थी जो मुझे मंथ्स मुझे उसको जा क्योंकि पहले तो दो तीन महीने मुझे समझ नहीं आई मुझे इतना मैं डर गई मैं अक्सर जगह जाती थी मेरे डॉक्टर्स कहते थे बस आप छोड़ देखें दे, हाँ। तो इट वॉज सो डीमोटिवेटिंग आई थिंक एक प्लेयर के लिए सबसे बुरी चीज इंजरी है अगर आप मुझे कह देना कि बस अब आप ये नहीं कर सकते तो आई थिंक द वर्स्ट

अच्छा जी री uh, हैब क्योंकि उसने मुझे कहा आपका मसल वीक हो गया है घुटने से ऊपर और नीचे सो यू वुड हैव टू डू रिहैब प्लस उसने मुझे कहा था कि इसका ये आपका आईटीबी बैंड स्ट्रैच है ओवर स्ट्रेच है आपने इसको uh, इसको रिलैक्स भी नहीं किया उसके साथ सम मसाजेस एंड लेकिन बेसिक उसका जो सबसे बड़ा वो था वो वेट ट्रेनिंग थी देन आई आई रिमेंबर आई डिड वेट ट्रेनिंग फॉर 45 फाइव स्ट्रेट डेज विदाउट एनी ब्रेक सो इट वॉज वेट ट्रेनिंग ऑन फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे फोर्थ डे एवरी सिंगल डे फॉर फोर्टी फाइव डेज आई हैड टू गो टू द जिम और मुझे हर वेट उठाते हुए वे, लिफ्ट करते हुए लेग को नी एक्सटेंशन कर रही हूं <laughs> आ, या दूसरा लेग कर रही करी हूं, तो मुझे वो दर्द होती थी अच्छा हर 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 रेप पे दर्द होती थी तो मैं हर दफा उनको जाए कहती थी कि मुझे दर्द हो रही है तो मुझे कहते थे कि दर्द को तुम तो हो जाओ यू नो अच्छा डोंट जस्ट उसको इग्नोर करो राइट सो आफ्टर ट्वेंटी डेज वो जो दर्द थी वो सबसाइड होनी शुरू हो गई एंड देन आफ्टर मंथ एंड हाफ इट वंटेस्टिंग नी को जब भींगल uh, 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 से फोर्टी uh, फाइव uh, डिग्री के एंगल से ऐसे चेंज करती थी तो वो जितनी दफा मैं ऊपर या नीचे करूँ तो मुझे दर्द होती थी एवरी टाइम आई वुड एक्सटेंड माई लेग स्ट्रेचेड मुझे पेन mm -hmm. होती हर मूवमेंट में मुझे पेन होती थी सो दे साइड ऑफ द लेग ठीक है उन्होंने समझाया था कि एक आई टी भी बैंड है ये से वो हुआ और आपने उसको रिलैक्स नहीं किया वो इसलिए आपको इन जगहों पे दर्द होती है जहाँ ऑन तो अपना मसल ठीक करो और अच्छा सब ठीक इंटरेस्टिंग नहीं था कि आपने वेट के बगैर उसकी स्टार्ट तो वेट के बगैर था स्टार्ट साइकिलिंग से था स्टार्ट oh, yes. में जब मैं गई हूँ साइकिलिंग था और जो वेट था वो बहुत लेस था मतलब <laughs> वन वन प्लेट से उन्होंने वेट फिर भी मैंने था उसमें वन प्लेट टू प्लेट्स इस तरह करके स्टार्ट था लेकिन उसमें साइक्लिंग फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स थी क्योंकि <laughs> साइकिलिंग एक ऐसी चीज है अगर किसी को भी नी में इंजरी हो सो दे शुड स्टार्ट फ्रॉम साइक्लिंग बिकॉज वो विदाउट वेट आपका आपके मसल को स्ट्रांग कर रही है सो mm -hmm, mm -hmm. so वो आपकी नीं पे प्रेशर भी नहीं डाल रही और वो आपकी नी के आसपास के मसल्स को भी स्ट्रांग कर रही है सो एनी बडी हु थ्रू नी इंजरी और नी पेन आई रिकमेंड एवरीबडी के वो साइकिलिंग से स्टार्ट सो आई डिड दैट और फिर उसके बाद वेट साथ, साथ लाइट लाइट करते 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 सो इट वॉज फिर मैं उनको पूछती थी कि मैं कितनी मैक्सिमम प्लेट्स है ना मैं इसको कितना वेट मैक्सिमम mm -hmm. तो इस पे रखूँ तो मुझे कहते हैं स्का इज द लिमिट अच्छा <laughs> सही सही <laughs> नहीं रिहेबिलिटेड uh, yeah. क्योंकि बेजेन में पहली चीज़ तो ये आती ना कि चोट निकलाइए सब कुछ छोड़ दो ठीक हो जाएगी लेकिन ठीक हाँ, नहीं होती फिर नहीं वो ठीक नहीं होती हाँ uh, एंड उल्टा आपके मसल्स और वीक हो जाते हैं आई डिड दिस मिस्टेक मेरी भी नहीं मैं ना आई टी बैंड रिलेटेड एक आई थी इंजरी तो मैंने कहा ओके आई स्टॉप ट्रेनिंग लेग्स फॉर अबिट वो अबिट करते करते एक साल तकरीबन हो गया था

टेक्निक में मे बी या आप बताना नहीं चाह रही अ वेरी बैड क्वेश्चन टू आस्क ताकि ओके वो सब कहेंगे मेरे पोते से अच्छा ये इधर खिलाओ इसको <laughs> अच्छा अच्छा मेरी हर एक वीक पॉइंट्स होते हैं आई थिंक फॉर मी आई एम ट्राइंग टू वर्क मोर एट द मोमेंट ऑन माय फिजिकल फिटनेस राइट एंड थोड़ी सी एक दो पॉइंट्स के uh, uh, ऐस एक पॉइंट नहीं होता जिसको आप कहते हैं कि मैंने इस पॉइंट पे करना है mm -hmm. लेकिन आई थिंक कि फिजिकली आप जितना ज्यादा बैडमिंटन में आप जितना स्ट्रोंग और फास्ट होंगे इफ यू अंडर द शटल एट द राइट टाइम यू कैन प्ले द स्ट्रोक प्रॉपरली

Uh, बहुत डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ हैं इसमें नी जम्प्स हैं इसमें चेंजिंग लंजेज हैं इसमें छोटे छोटे जॉगिंग ऑन द स्पॉट है इसमें फ्रॉक जम्प्स हैं इसमें डक वॉक है इसमें देर आर plenty ऑफ एक्सरसाइज स्कीपिंग बहुत हेल्प करती है आपको बैडमिंटन um, uh, में बिकॉज यू ऑल द टाइम ऑन योर टोर्स सो प्लस शॉर्ट स्प्रिंट्स आपकी हैं आपके एक ही कोर्ट में बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड मूवेंट क्विक मूवमेंट्स उसमें आपकी आती हैं प्लस बैडमिंटन में शेडो ट्रेनिंग uh, इसमें काफ़ी हेल्प करती है उसमें आपने विदाउट शटल कोर्ट में मूव करना होता है सम्बडी कैन पॉइंट यू कि आप इधर जाओ इधर जाओ एंड यू जो सेफ टू गो दें और uh, उसका बस आप उस एक्शन से वापस आ जाओ

कुछ आपको इनिशियली जब आपका वेट ज़्यादा थोड़ा होता है जब इनिशियली आफ्टर द बेबी उस वक्त आपको ये चीज़ें इससे फर्क पड़ता है क्योंकि आपका आई थिंक इट ऑल डिपेंड ऑन योर वेट कि अगर आपका वेट ज़्यादा है आप इमेजिन करें कि आप 10 किलो या 5 किलो आपने हाथ में डंबल उठाया हुआ और आप रनिंग कर रहे हो या आपने 10 किलो की जैकेट पहनी हुई है और आप ट्रेनिंग कर रहे हो सो so, आपकी बॉडी कितनी टायर्ड हो जाएगी जल्दी और अगर वो दस के ऑफ होगा या पाँच के ऑफ होगा तब आप कितना ज्यादा क्विक हो जाएंगे हम लोग बल्कि समटाइम्स ट्रेनिंग में भी वेटेड जैकेट्स पहन के और एंकल वेट्स के साथ हम ट्रेनिंग करते थे वो स्पीड इम्प्रूव करने के लिए तो आई थिंक कि वंस योर बैक ऑन योर नॉमल वेट फिर उसके बाद आई डोंट थिंक इतना ज्यादा फर्क पड़ता है देन आप बहुत जल्दी वो कर लेते हैं अच्छा अच्छा जी तो आप ऐसा तो नहीं आपको कभी फील होता है कि मेरी जो पीक थी वो गुजर गई है एंड अब मैं स्लो हो गई हूँ या कोई और एस्पेक्ट पीछे रह गया है एक्चुअली देखें मैं आपको बताऊँ uh, so मुझे सबसे ज्यादा जो मुझे मुश्किल लगती है चीज़ वो ये लगती है जब मैं सुबह सो रही होती हूँ <laughs> और जब मुझे उठ के मैं सोचती हूँ कि मैं ट्रेनिंग करने जाऊँ तो मैं कहती हूँ यार मेरा खाल है बहुत बहुत खेल लिया है बहुत बहुत सारे मैचेस खेले थे तो उस दिन बंदा लेजी वो जो एक वो हुआ आहा, बहुत है बहुत के बस अब अच्छा सा नाश्ता करते हैं उठ के और ऑल दैट सही लेकिन वंस यू अप और आपने वो मिस कर दिया होता है सेशन तो वो सारा दिन अब हाँ. बंदा अपने आप को वो कहता रहता है कि यार कितने अफसोस की बात है कितना बुरा किया आज मैंने या या सो आई थिंक अभी वो स्टेज नहीं आई जिस पे मैं सोचूं कि बस अब बहुत लेट हो गया या वो अभी मुझे ऐसे फील होता है कि नहीं यार आई कैन डू इट क्योंकि जब मैं जाती हूँ खेलती हूँ एंड आई ट्रेन एंड एवरी एंड आई कम बैक एंड आई एम हैप्पी एंड यू नो एवरी इज फाइन सो नथिंग फ्रॉम इनसाइड माई बॉडी और माई थिंग इज टेलिंग मी ओ यू नो यू कान डू दिस यू नो Say. And for me, I've always been a fighter. So I always thought there is nothing, there's no such thing as I can't do it. Right. So nee, that's great. That's so great. So are a that's that's great. Ye hai so, so when oh, do you get up to train? Um ab to Ramzan hai. So uh, all our trainings are in the normally vessel. Yeah. my favorite part of the year hai. अच्छा, like अच्छा, <laughs> सुबह अच्छा, नहीं उठना <laughs> तो जब नहीं होता फिर हैं? आपको एक है लगे होते थे, तब तो इट uh, uh, डिपेंड्स तो आप वेरी करता है समर्स हैं और आपने क्या करना है जिम जाना है या ग्राउंड में जाना है सो अबाउट लेट्स बटर मैं भी ज्यादातर वट आई प्रीफर ये मुझे अब तक पता नहीं पहले मैं कहता था नाइट बहुत फिट है सुबह में नहीं करनी मैंने ना सुबह में करने के बाद बहुत थक जाता हूँ तो ये वो बट अब आई फील कि सुबह में करने के बाद एक मेंटली आई फील फ्री के exactly, हो गई वो ट्रेनिंग अब मैं और कुछ कर सकता एक्चुअली मैं सुबह जो ट्रेनिंग होती है उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये होती है वंस यू ट्रेन इन द मॉर्निंग वैन यू वेक अप एंड ट्रेन इन द मॉर्निंग यू आर मेंटली फ्री मैं बहुत इस चीज को ए, एक दफा आपकी रूटीन बन जाती है फिर इट्स नॉट अ बिग डील यू जस्ट वेकअप एवरी डे इन द मॉर्निंग एंड यू गो फॉर योर रूटीन एंड दैट्स दैट्स गुड लेकिन दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग मुझे भी हमेशा यही फील होता है कि आप सुबह उठे हैं आपने ट्रेनिंग कर ली है यूर मेंटली फ्री